नमस्कार दोस्तों, यदि आप बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से कैश निकालेंगे तो उस केस में आपका TDS काटा जा सकता है। तो किस पैन का कितना TDS काटा जाएगा, इसे आप चेक भी कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट से। इसके लिए दोस्तों आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे TDS और कैश विड्रॉल की टैब दी गई है, इसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा, आप यहाँ पे एंटर करेंगे। दोस्तों इस केस में यहाँ पे जो TDS डिडक्ट किया जाएगा वो 2% डिडक्ट किया जाएगा यदि व्यक्ति 20 लाख रुपीज से ज़्यादा का अमाउंट कैश पे विड्रॉ करेगा, और यदि वो 1 करोड़ रुपीज से ज़्यादा का अमाउंट विड्रॉ करेगा तो उस केस में उसका 5% का जो TDS है वो काटा जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं की गई थी। दोस्तों यदि व्यक्ति के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की गई है तो उस केस में उसका TDS 2% ही काटा जाएगा, वो भी तब यदि वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट बैंक से विड्रॉ करेगा। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति कैश विड्रॉ करेगा तो उसका TDS काटा जाएगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, यदि वो पिछले 3 असेसमेंट ईयर की ITR फाइल कर देता है तो उस केस में यदि वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करेगा एक या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट से तो ही उसका TDS काटा जाएगा, वो भी 2%। लेकिन यदि वो 1 करोड़ रुपए से कम का विड्रॉ कर रहा है तो उस केस में TDS नहीं काटा जाएगा। लेकिन यदि उसने पिछले 3 सालों की ITR फाइल नहीं की है तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या वो जो कैश विड्रॉ कर रहा है वो 20 लाख रुपये से ज़्यादा कर रहा है। यदि नहीं कर रहा तो उसका कोई TDS नहीं कटेगा। लेकिन यदि वो 20 लाख रुपये से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करेगा एक या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट से तो उस केस में उसका 2% TDS काटा जाएगा। 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए के बीच में यदि वो कैश विड्रॉ करेगा, और यदि वो 1 करोड़ से ज़्यादा करेगा कैश विड्रॉ, तो 5% का TDS काटा जाएगा, क्योंकि उसने पिछले 3 सालों की ITR फाइल नहीं की है। तो इस प्रकार दोस्तों ITR फाइल करनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो TDS की प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाती है कैश विड्रॉल पे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। दोस्तों CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए मेगा कॉम्बैट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। ये 8 मई 2022 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा एट 12 PM। 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा आपके पास। तो इसमें जो टॉप रैंकर हैं वो स्कॉलरशिप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपये तक की। दोस्तों इसमें इनरोल करने के लिए आपको कोड यूज़ करना है SADBIL10, और इसके लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए मेगा रिविज़न फ्री टेस्ट सीरीज़ भी ऑर्गेनाइज की जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें कि फुल सिलेबस कवर किया गया है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि मई 2022 एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो 40 मिनट्स का ये टेस्ट है जिसमें कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी जो टॉप रैंकर हैं उन्हें JBL स्पीकर्स, नॉइस स्मार्ट वॉच या हेडफोन जीतने का चांस रहेगा। इसी प्रकार जो ग्रुप 2 के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये मेगा फ्री रिविज़न टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज की जा रही है, इसे भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। CA फाइनल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए भी फुल सिलेबस को कवर करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो डिज़ाइन किए गए हैं मई 2022 अटैम्प्ट के लिए, तो आप इन्हें भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।